Good morning to all. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So I'm repeating the second question. This one. In the last class, some of you have requested me to repeat this. Okay. So the question is, you need to draw two different parse trees for the string, this one, from the given grammar. The given grammar is, given grammar contains three productions. The first one is A derives A followed by A. A derives terminal bracket, then A, then terminal bracket, closing bracket. Then the last one is variable A derives terminal A. Okay. अब देखो इसको मत देखना, मैं यहाँ पे साइड बाई साइड ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक, अब देखो. अब यहाँ पे देखो जितने भी प्रोडक्शंस है, ऑल द प्रोडक्शंस आर स्टार्टेड फ्रॉम और डिराइव्ड फ्रॉम दिस ए. ऑल द प्रोडक्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम और ऑल द प्रोडक्ट और यू कैन से ए डिराइव्ड ऑल द प्रोडक्शंस. सो यहाँ पे देख सकते हो एक ही वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड के सभी प्रोडक्शन में, मतलब दैट वेरिएबल इज द स्टार्टिंग सिंबल. तो इस इन प्रोडक्शन में से इन ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल कौन सा होगा? ऑब्वियसली ए ही होगा. तो जो भी डेरिवेशन प्रोसेस होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरिएबल ए. सो नाउ यू नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम व्हिच प्रोडक्शन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द डेरिवेशन. सो टू आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्शन और यू कैन से द स्टार्टिंग प्रोडक्शन, यू नीड टू इंस्पेक्ट द you need to inspect the input string along with the productions. So here you can see here the string contains four A's and the string starts from terminal A. So now listen, whenever this came to in mind that the string contains four A's, matlab ye hum use nahi kar sakte. Agar initially A derives A, if we will use A derives A, then it will be terminated. That means only A will be generated out of this grammar. So you cannot use A derives A in the first step. Simultaneously, if you will use this production, that is A derives opening bracket, then A, then closing bracket at the beginning, then the string generated will have the opening bracket at the फ्रंट. मतलब अगर हम ये यूज करेंगे ए डिराइव्स, अगर ये पहले हम यूज करेंगे, मतलब मेरा जो भी स्ट्रिंग यहां से जेनरेट होगा सबके लेफ्ट हैंड साइड में दिस ओपनिंग ब्रैकेट ही रहेगा, जबकि मेरा स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है. मतलब ये भी हम ले नहीं सकते. सो यू आर लेफ्ट विद दिस प्रोडक्शन, दैट इज ए डिराइव्स ए ए. सो मैं बना रहा हूं पहले एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना रहा हूं, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट जो भी है. तो फर्स्ट पहले ये ले लिया मैंने. रिमेंबर मैंने और एक चीज बोला था, व्हेनेवर यू आर इंटरेस्टेड इन ड्रॉइंग मोर देन वन पास ट्री फॉर ए गिवन स्ट्रिंग, ट्राई टू टर्मिनेट द एक्सप्रेशन वंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड वंस फ्रॉम द राइट. मतलब जब भी हम मोर देन वन पास ट्री आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, द बेस्ट ट्रिक क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन होगा ना, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में टर्मिनेट कर देंगे और एक बार राइट साइड में टर्मिनेट कर देंगे पहले. जैसे देखो मैं पहले चाहता हूं कि लेफ्ट साइड में मैं टर्मिनेट करूं इसको. ठीक है, लेफ्ट साइड में टर्मिनेट करूं, मतलब जैसे देखो ए डिराइव्स ए पहले डाल दिया, अब इसके बाद क्या है, लेफ्ट साइड में जो ए है इसको मैं टर्मिनेट करना चाहता हूं. टर्मिनेट करना चाहता मतलब यहाँ पे टर्मिनल अगर कुछ भी डाल सकता हूँ डाल दूंगा. देखो अब इस एक पहला जो क्या है, पहला ए आना चाहिए. अब देखो इस ए से देखो कोई प्रोडक्शन है क्या जो कि ए
ये डिराइव हो रहा हो. यस दिस ए डिराइव्स टर्मिनल ए. सो आई कैन रिप्लेस दिस ए इन प्लेस ऑफ दिस कैपिटल ए. समझ में आया? मैं मतलब जैसे देखो ये जो एक्सप्रेशन का ना मैं लेफ्ट हैंड साइड में टर्मिनेट करना चाहता हूँ. मैंने बताया था जब भी हम डेरिवेशन ट्री फाइंड करते हैं मोर देन वन डेरिवेशन ट्री अगर हम चाहते हैं फाइंड करने के लिए. रिमेम्बर हमारे चाहने से नहीं बन जाएगा. अगर होगा देन ओनली बनेगा. लेकिन तो कोशिश करेंगे वो कैसे करेंगे. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में टर्मिनेट कर दो एंड नेक्स्ट टाइम क्या करोगे राइट हैंड साइड में टर्मिनेट करोगे. तो अभी पहले में क्या कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को पहले टर्मिनेट कर रहा हूँ. मतलब टर्मिनेट मतलब टर्मिनल डाल दूंगा यहाँ पे जो भी पॉसिबल है. अब देखो नाउ यू नीड टू रिप्लेस समथिंग इन प्लेस ऑफ दिस ए. नाउ लिसन यहाँ पे क्या डाल सकते हो. नाउ इफ आई विल यूज दिस इन प्लेस ऑफ दिस ए देन ओनली ए ए विल बी जनरेटेड व्हिच इज नॉट माय स्ट्रिंग. नाउ इफ यू विल प्लेस और इफ यू विल यूज दिस प्रोडक्शन दैट इज ए डिराइव्स ये अगर यूज करोगे इन प्लेस ऑफ दिस ए देन रिमेम्बर द योर स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस. मतलब स्ट्रिंग जो एंड होगा क्लोजिंग ब्रैकेट से एंड होगा जो कि यहाँ पे भी दे नहीं सकते. मतलब अगेन ये ए को ही अप्लाई करना पड़ेगा. तो मतलब रिप्लेस दिस ए मतलब ए के जगह पे ए रिप्लेस करो. तो अब ये नेक्स्ट क्या होगा ए ठीक है. अब जैसे देखो तुम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करो या राइट मोस्ट डेरिवेशन करो. अब देखो इसमें अगर मैं मतलब कन्वेंशन यूज करना चाह रहा हूँ कि टर्मिनेट तो कर रहा हूँ लेफ्ट से एंड उसको भी मैं लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा हूँ. ठीक है. लिसन मैं जब बोला कि टर्मिनेट करने की दैट इज नथिंग टू डू विथ योर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन. ठीक है. तभी क्या करेंगे इसी ए के जगह पे कुछ करेंगे. देखो एक ए के बाद एक ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा था गिवन स्ट्रिंग में. मतलब इस ए के बाद एक ओपनिंग ब्रैकेट आना चाहिए. ओपनिंग ब्रैकेट आना चाहिए मतलब हमें इसी प्रोडक्शन का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. अब इसके बाद इस ए के बाद ओपनिंग ब्रैकेट तो चाहिए. ओपनिंग ब्रैकेट मतलब क्या है हमें इस प्रोडक्शन को यूज करना पड़ेगा. तो अभी क्या करोगे ए के जगह पे वही डाल दो. ठीक है. अब देखो ये तो टर्मिनल से इनको तो कुछ कर नहीं सकते. अभी ए के जगह पे ए डालेंगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा. और देखो तो यू नीड टू यूज दिस प्रोडक्शन. अब देखो अब राइट हैंड साइड में क्या है. नाउ यू नीड टू डिराइव टू मोर एस. ए सिंगल ए कैन नॉट डिराइव टू एस. सो लेकिन एक सिंगल ए कैन डिराइव सिंगल टर्मिनल. सो यहाँ पे टू टर्मिनल एस को फाइंड करना है. मतलब टू एस होना चाहिए. देन ओनली ना दो बार ए जनरेट होगा. टू एस मतलब इस जगह पे टू ए आएगा देन ओनली ए होगा. दैट मीन्स टू ए कौन से कुछ कोई प्रोडक्शन है क्या. यस देयर एग्जिस्ट वन प्रोडक्शन दैट इज ए डिराइव्स टू ए. तो सिंपली रिप्लेस दिस ए विद टू ए. तो क्या हुआ देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक ना इसे एक जगह पे ए डाल दो. लास्ट में इसे एक जगह पे ए डाल दो. नाउ स्ट्रिंग जनरेट. ठीक है. तो इसका भी पास्ट्री बनाएंगे इसका. पास्ट्री कैसे दिखेगा देखो. ये सबको क्लियर हुआ. अब फर्स्ट देखो ए से स्टार्ट करो. एस ए के जगह पे आई रिप्लेस टू एस. दो चाइल्ड होंगे एक ए. अब देखो नाउ इस ए के जगह पे ए टर्मिनेट मतलब ए रिप्लेस किए तो ये हो गया. अब इस एक जगह पे क्या रिप्लेस किए टू अगेन. मतलब इसका भी अगेन टू चाइल्ड हो गए. अब ना इस एक जगह पे क्या डाला ब्रैकेट में जो है
मतलब इसमें क्या है, दीज ऑल आर टर्मिनल्स, तो इसमें तीन चाइल्ड होंगे, ब्रैकेट इज ऑल्सो टर्मिनल ए, ठीक है। देन क्या किया, इस ए के जगह पे, इस ए के जगह पे ए डाला था, तो इस ए के जगह पे ए डाल दिया। अब ना उसके बाद क्या कहता, दिस यू हैव रिप्लेस, दैट मींस वी हैव रिप्लेस्ड टू ए इन प्लेस ऑफ दिस ए, तो मतलब इस ए के जगह पे क्या होगा, इस ए के जगह पे मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, अब इसे एक जगह पे टू ए किए थे, एक ए, एक ए, लास्ट में क्या किए थे, इसे एक जगह पे ए डाल दिए थे, फिर इसे एक जगह पे ए डाल, ठीक है, ये हो गया इसका। अब मैं दूसरे तरीके से करूंगा, ये बात तो सबको क्लियर है कि सबसे पहले ए डिराइव्स ए को ही यूज करना पड़ेगा इस स्ट्रिंग को जेनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अगेन हम स्टार्ट करें, मैंने क्या बोला था, I just now, just before 10 minutes, I told you that if you want to generate more than one parse tree, then for the first time, simply terminate the variable on the left side. Then in the second case, terminate the variable on the right case, on the right side. So, अभी देखो, मैं left वाला कर दिया था, अभी right में मतलब क्या है? इसी को हम पहले terminate कर देंगे. इसको terminate करेंगे मतलब दो तरीके से कर सकते हैं. अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे, राइट मोस्ट डेरिवेशन पे, अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे मतलब पहले इसी को जगह पे टर्मिनेट कर देंगे, लेकिन अगर इसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे मतलब जब प्रीवियस केस में यहाँ पे मैंने ए डाल दिया था, यहाँ पे क्या करूंगा, अभी ए नहीं, ए ना डाल के इसको मैं एक्सपांड करते जाऊंगा, ये दिमाग में रखते हुए कि लास्ट में मुझे इसकी जगह पे ए डालना, क्लियर। तो मैं इसको भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ही करता हूँ, ये दिमाग में रखते हुए कि ये जो ए है इस जगह पे ओनली ए मैंने लास्ट में डालूंगा, ठीक है, टर्मिनेट करूंगा। तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो नितिन बास ने, No one responding. Okay, मैं okay, right most में करता हूँ. Okay, so right में करता हूँ. लेकिन remember, right में करने का मतलब मतलब ये मत समझना कि कभी कि जैसे एक बार left करने के time पे एक बार right करना जरूरी है. ऐसा नहीं है. जैसे ambiguous, जब मैं ambiguous की बात करी थी उस time पे मैंने क्या बोला था? Either मतलब main motto ये है कि two पास्ट ही नहीं होनी चाहिए. वो टू पास्ट तुम कैसे जेनरेट किए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. मतलब टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो या टू राइट मोस्ट डेरिवेशन हो या एक लेफ्ट मोस्ट हो एक राइट मोस्ट हो, ठीक है. बट द मेन पर्पज इज ऑफ गेटिंग टू, मतलब दैट मींस मोर देन वन डिफरेंट पास्ट. तो मैं राइट मोस्ट लूंगा इसको. तो मैंने बताया था पहले क्या ठीक किया था, लेफ्ट को टर्मिनेट कर दिया था. सो अभी रिमेम्बर, अगर मैं लेफ्ट को टर्मिनेट किया था, यहाँ पे राइट में टर्मिनेट कर दूंगा, मतलब डेफिनेटली आई विल गेट टू डिफरेंट पास्ट, राइट. तो पहले मैं इसको राइट मोस्ट में इसको ले रहा हूँ, ए एल एम डी था, आर एम डी करके देखो, ए के जगह पे पहले टर्मिनेट कर दूंगा, दैट मीन्स टर्मिनेट करूंगा मतलब इस प्रोडक्शन को यूज करूंगा, वही मेरा ए बन. अब आ गया, अब देखो, अब इस ए के जगह पे क्या डाल सकते हैं. अगेन सेम स्टोरी, अगर ये सिंपली ए डालूंगा, इसको यूज करूंगा, तो ए ओनली जनरेट होगा, जो नहीं स्ट्रिंग जनरेट करना है. सिंपली ये अगर डाल दोगे यहाँ पे, तो मेरा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, मतलब जो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, दैट मीन्स मेरा जो
स्ट्रिंग होगा वो ओपनिंग ब्रैकेट से स्टार्ट होगा जो कि नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स हम डेफिनेटली हमें ये ही यूज करना पड़ेगा. तो एक जगह पे टू ए रिप्लेस करो. अभी राइट मोस्ट में करना है. अब राइट मोस्ट में करना है मतलब ये एक ही जगह पे करना है. अब देखो एक ए था, एक पहले एक ए चाहिए, मतलब सिंपल वे में बता रहा हूं. तो इसके जगह पे भी और एक ए डाल दो, मतलब टर्मिनेट कर दो इसको ये एक जगह पे. ठीक है, अब ए बचा है. अब देखो अब इस ए के जगह पे कौन सा प्रोडक्शन यूज करोगे? ना इंस्पेक्ट दिस प्रोडक्शन कैन नॉट बी यूज. Why? Because if I will use this production, then my string will be AAA, which is not equal to the given string. Now, if you will use this production, then what will happen? Your string will start from the opening bracket. A के जगह पर अगर यार इसको replace करो, तो इसको भी use नहीं कर सकते. That means I have left with only one option. That is, I have to use AA. So A के जगह पे A replace करो, क्योंकि A derived A था. और राइट मोस्ट डेरिवेशन में इसी ए के जगह पर रिप्लेस करना पड़ेगा ये राइट में. अब देखो इसमें क्या डाल सकते हो? ए तो नहीं डाल सकते क्योंकि ए डालेंगे तो फिर तीन कॉन्टिन्यूसली ए हो जाएगा. अब ये अब इसको भी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको अगर डालेंगे तो ए कितने बार हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन में? पांच ए हो जाएंगे, फाइव स्मॉल टर्मिनल ए जनरेट होंगे. दैट मींस अभी नाउ यू कैन यूज दिस. व्हाई? बिकॉज इस ए से पहले ही ब्रैकेट भी है और इस ब्रैकेट से पहले भी एक ए आना चाहिए जो कि इस ए को लेकर मैं कर सकता हूँ. तो इसी एक जगह पे सेकंड राइट एक जगह पे इस प्रोडक्शन का यूज करो. ठीक है, राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? दो ए में से ये ए है, तो इसके जगह पे क्या डालोगे यहाँ पे? ऑब्वियसली इस फॉर्मेट में ए चाहिए. यस, ए डायरेक्ट ए भी है प्रोडक्शन. ठीक है, अब नाउ सिंपली एक ही वेरिएबल है और इस स्ट्रिंग को पूरा देखो, ए डाल दो राइट हो जाएगा. तो इस ए के जगह पे सिंपली ए डाल दो, दैट इज यूज ए डिराइव्स ए. ठीक है, जनरेट हो गया. अब इसका मैं पास्ट ही बनाऊंगा. ए लिया, सबसे पहले एक जगह पे टू ए डाला था. देन राइट में ए डाला था. देन ये जो ए है उसके जगह पे टू ए डाला था. Then, इसे के जगह पे ए डाला था. Then, इसे के जगह पे अगेन टू ए डाला था. ठीक है, देन इसे के जगह पे क्या डाला था? This one, you have used this production. So, मैंने बताया था, I've told you earlier that here this opening bracket and closing brackets are acting like terminals. So, वो भी एक child होंगे. Opening bracket. Sir. हाँ बोलो. Sir, जो जो bracket होते हैं, तो sir इसमें जो example दे रखे हैं, इसमें तो sir अलग अलग नहीं है ना ये की में. नहीं, ये तो गलत है. ये जो है ना, ये गलत है. तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. तो दीज आर टर्मिनल्स, राइट? यस सर. तो अभी क्या होगा राइट में? ये है तो फिर ये इस ए के जगह पे एक ए हो गया एंड लास्ट में इस ए के जगह पे ए. देख सकते हो टू डिफरेंट पास्ट्रीज आर जनरेटेड फॉर ए गिवन स्ट्रिंग. So this grammar is ambiguous. Sir.
बोलो सर, ऐसा कर सकते हैं मतलब जैसे ये जो वैल्यू रखते हैं उसमें ये कर सकते हैं कि जैसे एक की वैल्यू रखते जा रहे हैं और एक को एक्सपेंड नहीं करते जा रहे हैं। वही देखो जैसे देख सकते हो यहाँ पे लाइन में मतलब दो लाइन में लिखने की वजह दो दो ये ना इसकी बात कर रहे हो। यस सर इसकी। हाँ इसको एक लाइन में लिख सकते हो ऐसे ही ब्रैकेट ऐसे ऐसे करके ठीक है सर। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं सर, फिर मैं ये कह रहा हूँ जैसे हाँ सर ये जैसे सेकंड लाइन में हो रहा है ना सर इसी की ये वाला ए जो है ना ये वाला बात कर रहे हो। यस सर यस सर। तो इसमें हाँ। ये सर मतलब एक साथ एक्सपेंड भी कर सकते हैं ना और सर वैल्यू भी रख सकते हैं। हाँ इसी 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 एक ही बात कर रहे हो। नहीं मतलब इसी पूरे की बात कर रहा हूँ ये जी में सर। हाँ तो क्या मतलब इसको एक्सपेंड करना चाहते हो सर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्सपेंड भी कर सकते हैं ना एक साथ और वैल्यू भी रख सकते हैं ना सर? एक्सपेंड वैल्यू समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो सर? जैसे एक ही जगह रिप्लेस किया ना सर आपने ए, ए, हाँ हाँ ए, और सर मतलब वैल्यू भी रखी है ना सर आपने ये इसकी बात करो ना एक जगह पर ए रिप्लेस किया हूँ। नहीं सर ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं सर। यहाँ पे आप बोल रहे हो वही सर जो, हाँ सर ये हाँ यहाँ हाँ तुम एक्सपांड कर सकते हो लेकिन मैंने मैंने बोला ना कि जैसे पास्ट ट्री अगर डिफरेंट आना चाहते हो तो बेस्ट ट्रिक है ये है कि जैसे यहाँ पे पहले मैं लेफ्ट साइड को टर्मिनेट कर दिया था तो यहाँ पे राइट साइड को मैं टर्मिनेट कर दिया। नहीं सर मैं ये पूछ रहा था जैसे अगर हम मतलब वैल्यू एक साथ रखना जरूरी है या मतलब ये बाद में भी रख सकते हैं वैल्यूज जैसे एक की जगह टर्मिनल्स को रिप्लेस कर दें बाद में रख सकते हो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या बोलना चाह रहे हो सर? बाद में मतलब टर्मिनल को रिप्लेस कर सकते हैं ना एक जैसे कैपिटल ए है जो हाँ। उसकी जगह जो स्मॉल ए है उसको मतलब रिप्लेस कर सकते हैं ना बाद में सर पूरा अगर हमें पता है कि इस तरीके का आएगा तो पूरा कैलकुलेट कर लें और फिर लास्ट में वैल्यू रख दें। ये नहीं नहीं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तो दिखाना ही पड़ेगा कौन से स्टेप में क्या कर रहे हो कौन सी जगह पे क्या तुम रिप्लेस कर रहे हो। ओके सर। नहीं तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा स्ट्रिंग कैसे तुम स्ट्रिंग का तो जितने भी टर्मिनल है उसको एक एक करके तो तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा ना। ओके सर। वो तो एम्बिगस ग्रामर तो बताया था जिसमें कि मोर देन व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट टू मतलब अगर एक से ज्यादा अगर पास्ट ही आ रहा है कोई भी एक स्ट्रिंग के लिए एक पार्टिकुलर ग्रामर का देन दैट पार्टिकुलर ग्रामर विल बी नोन एज एम्बिगस ग्रामर। रिमेंबर एम्बिग्यूटी कैन बी रिमूव बाय रीराइटिंग द ग्रामर सच दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन डेरिवेशन ऑफ पास्ट possible for a string of the language which the grammar represents. इसका मतलब यह है कि अगर कोई ग्रामर है उसे हम ambiguity अगर remove करना चाहते हैं then we have to modify the grammars accordingly. But simultaneously remember हर एक ग्रामर का मतलब हर एक ग्रामर से ambiguity हम remove कर नहीं सकते because some grammars are predominantly ambiguous. ठीक है मतलब कुछ ही ग्रामर को हम जो उसका जो प्रोडक्शन है उसको हम दूसरे तरीके से लिख के उस ग्रामर से एम्बिग्यूटी हटा सकते हैं लेकिन कुछ ग्रामर ऑलरेडी एम्बिग्यूस होते ही हैं उनको हम किसी भी तरीके से लिखे वो एम्बिग्यूस ही रहेंगे। ठीक सो नाउ जो जो ग्रामर को हम थोड़ा बहुत मतलब दूसरे तरीके से लिख के अगर एम्बिग्यूस हटा सकते हैं देन वी विल डू दैट बट रिमेंबर दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। पॉसिबल मतलब जैसे कोई एक प्रीडोमिनेंटली ही एम्बिग्योसी है उसका जितने भी प्रोडक्शन है उसको किसी भी तरीके से लिख दो वो एम्बिग्योसी रहेगा देन हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब ये करेंगे आई हैव डिस्कस्ड दिस ग्रामर इन द प्रीवियस क्लास एंड आई शोड यू दैट फॉर ए गिवन स्ट्रिंग दिस ग्रामर प्रोड्यूस्ड मोर देन वन पास्ट स्ट्रिंग। जैसे देखो इसके ये था ग्रामर था मेरे प्रीवियस क्लास में ए बी ए के लिए मैंने बताया था मैंने इसके लिए ड्रॉ की थी और बताया था कि टू डिफरेंट पास्ट हो रहे थे तो इसलिए ये एम्बिग्यूस हो रहा था एंड ये तो ए बी मतलब ये ए बी ए बी ए बी
ठीक है, इसमें मोर देन वन मतलब तीन तीन चार भी आ सकते हैं, ठीक है। सो अब इस ग्रामर को हम इस ग्रामर से हम एम्बिग्यूटी हटा सकते हैं। आंसर इज यस। अब क्या हो रहा था यहाँ पे, टू एस हो रहा था, टू वेरिएबल्स थे, टू वेरिएबल्स थे। सो कभी कभार क्या होता है, कभी हम लेफ्ट में एक्सपांड करते थे, कभी हम राइट में एक्सपांड करते थे। अब जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बोला पहले लेफ्ट को टर्मिनेट कर दिए, राइट में बढ़ाते गए। सिमिलरली कभी राइट को टर्मिनेट करके लेफ्ट में बढ़ाते गए, समझ रहे हो। सो द प्रेजेंस ऑफ दिस टू वेरिएबल्स ऑन टू डिफरेंट साइड्स मेक्स दिस ग्रामर एम्बिगस। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड जो एस है हमें कोई भी एक एस को हटा देना है। हटा देना है मतलब क्या करेंगे हम, सिंपली हम उस एक वेरिएबल के जगह पे कोई टर्मिनल रख देंगे, एप्रोप्रिएट टर्मिनल जो कि उस कॉरेस्पॉन्डिंग डिराइव हो। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो प्रोडक्शन है, एस डिराइव एस बी एस एंड एस डिराइव टर्मिनल। दैट मीन्स वी कैन रिप्लेस ए इन प्लेस ऑफ एस। सो इन दो एस जो है, इन दो एस में से अगर कोई भी एस के जगह पे हम ए डाल देंगे तभी भी मेरा ग्रामर सेम ही रहेगा, मतलब ऑल द थिंग्स विल बी जनरेटेड बट सिंगल पास्ट ही विल बी देयर। जैसे देखो यहाँ पे दो एस जो था, मतलब कभी कभी हम क्या करते थे, इसको टर्मिनेट कर देते थे फर्स्ट स्टेप में ही और इसको एक्सपांड करते जाते। सिमिलरली इन सम केसेस क्या करते थे, हम इसको टर्मिनेट कर देते थे इसको एक्सपांड करके जाते थे, मतलब क्लियरली दो पास्ट ही बन जाते थे, एटलीस्ट दो पास्ट तो बनेंगे ही डिफरेंट। लेकिन अब अगर क्या करेंगे, अगर मेरा एक ग्रामर में ओनली सिंगल वेरिएबल रहेगा राइट हैंड साइड में, देन क्या होगा, सिंगल वेरिएबल में हम जो भी रिप्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे, मतलब वो एम्बिगस नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे देखो ये जो पहला जो एस है उसके जगह पे ए रिप्लेस कर, ठीक है। अब देखो ग्रामर सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रामर क्या जनरेट कर रहा था, ए बी ए बी ए बी ए बी ए ऐसे फॉर्मेट में जनरेट कर रहा था, मतलब ए बी स्टार ए जनरेट कर रहा था। ये सब नॉर्मल बताया था, ये जो ग्रामर जनरेट कर रहा है ए बी ए बी ए बी ए बी लास्ट में ए, मतलब ए बी स्टार जनरेट कर रहा था, ये सब नॉर्मल। तो ए बी स्टार ए सॉरी ए बी स्टार ए जनरेट कर रहा था, मतलब अभी ये भी देखो इसको देख सकते हो, मतलब जैसे देखो अगर मान लो पहले में ए बी एस लिया, फिर एस के जगह पे अगेन ए बी एस लिया, मतलब क्या बन जाएगा ए बी ए बी एस, फिर सेकेंड ए बी में अगेन एस डालो तो ए बी रह गया, फिर लास्ट में जब एस को टर्मिनेट करना हो ए डाल देंगे इसमें। तो मतलब ये लैंग्वेज पूरा जनरेट हो रहा है कि नहीं, इसी ग्रामर से ही ऑब्वियसली हो रहा है। अब देखो ये जो पहला एस था, यू माइट हैव थिंकिंग दैट सर व्हाई यू नॉट रिप्लेस दिस राइट 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 साइड एस विद ए, माय आंसर इज यस यू मे रिप्लेस दैट आल्सो, मतलब ग्रामर को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ एस बी ए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी एस को टर्मिनेट करेंगे लास्ट में, मतलब ये क्या हो जाएगा, जब भी करोगे तो मतलब एस के जगह पे डालोगे फिर एस बी ए देन बी ए, लेकिन इसे एक्स के जगह पे डालोगे मतलब एस बी ए देन बी ए देन बी ए, लास्ट में जब टर्मिनेट करोगे एस के जगह पे ए डाल दोगे, समझ रहे। कोई भी ग्रामर लो, ये ग्रामर लोगे तो फिर ट्री इसी टाइप का रहेगा, ये इसी ग्रामर को लोगे तो ट्री इसी टाइप का रहेगा, बट इन बोथ द केसेस सेम स्ट्रिंग ए बी स्टार ए, और यू कैन से दिस इज इक्विवेलेंट टू ए बी स्टार, ठीक है। ए बी स्टार मतलब इस केस में लिख सकते हैं कि लास्ट में बी ए ही रह रहा है, ठीक है। सो भाई दिस इज वन वे, ऐसा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एक अनएम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस बना दे, क्योंकि कुछ ग्रामर तो प्रीडोमिनेंटली अनएम्बिगुअस ही, सॉरी predominantly ambiguous ही होते हैं, उनको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक। तो दिस इज वन ऑफ द वे। मैंने जो पहले थोड़ी देर पहले बोला देर आर सम इनहेरेंटली एम्बिग्यूस लैंग्वेजेस लाइक दिस ए टू पावर एन बी टू पावर एन सी टू पावर एम यूनियन ए टू पावर एन बी टू पावर एम सी टू पावर एम, मतलब एम एम मतलब नंबर ऑफ बीस एंड नंबर ऑफ सी सेम एंड हियर यूनियन
इसके साथ नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बी सेम होंगे, एनी नंबर ऑफ सीज, इनका यूनियन जो लैंग्वेज होगा ना, ये प्रीडोमिनेंटली एम्बिगुअस है। इसका प्रोडक्शन चाहे हम किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर दें, ये कभी भी अनएम्बिगुअस नहीं बने। दिस इज अनदर मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम वी कैन यूज द प्रिसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स टू मेक ए ग्रामर अनएम्बिगुअस। ठीक, जैसे ये ग्रामर एम्बिगुअस है, दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस। कैसे? मैंने लास्ट क्लास में इसका रिलेटेड प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, देखो ये बताया था, इसी फॉर्मेट में है कि नहीं? वो बस प्लस 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 है, स्टार के जगह पे बस माइनस है। एनी मेंबर, ये जो ग्रामर जो एम्बिगुअस हो रहा था, कौन से प्रोडक्शन के लिए एम्बिगुअस हो रहा था? इसी दो प्रोडक्शन के लिए ही तो एम्बिगुअस हो रहा था, बिकॉज एस डिराइव से नथिंग टू डू विद एम्बिगुअस ग्रामर। ये तो एक नॉर्मल ए नॉर्मल टर्मिनल टर्मिनल ही है, तो इसी ग्रामर के लिए एम्बिगुअस नहीं हो रहा था। ये ग्रामर ओनली दिस टू के लिए एम्बिगुअस हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स थे और दो टर्मिनल मतलब दो साइड पे, तब तक कभी इस साइड पे एक्सपांड कर लेते थे, कभी इस साइड से एक्सपांड कर लेते थे। सिमिलरली कभी इस साइड से एक्सपांड कर लेते थे, कभी इस साइड से एक्सपांड कर लेते थे। और तो ऐसे थे कि मतलब कभी भी हम इससे भी स्टार्ट कर सकते थे, इससे भी स्टार्ट कर सकते थे। सो अभी क्या है, इसी दोनों के कारण एम्बिगुअस हो रहा था, मतलब इसी दोनों प्रोडक्शन का मॉडिफाई करें। रिमेम्बर, जब हम ग्रामर को मॉडिफाई करते हैं एम्बिगुअस टू अनएम्बिगुअस करने के लिए, वी आर ओनली री राइटिंग द प्रोडक्शन दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एम्बिग्युइटी। ये तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं था, तो इसको एजिटीज रखेंगे। ये एच डी एक्सेस इज मीनिंगलेस, एंड ये भी कुछ एम्बिगुअस के साथ कुछ नहीं है, तो इसको एजिटीज रखेंगे। लेकिन ये दोनों एम्बिगुअस बना देते थे। क्यों? कभी कभार इससे एक्सपांड करो, कभी कभार इससे एक्सपांड करो। ठीक है, सो हियर वी ओनली विल राइट दिस टू इन डिफरेंट फॉर्म। एंड वो जो अभी जो मैं स्लाइड में दिखाया था, दैट इज सिमिलर टू दिस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एस प्लस एस था और एस स्टार एस है, वहां पे क्या है? एस प्लस एस है एंड एस स्टार एस माइनस एस है। ठीक है, I'm sorry, माइनस मतलब सॉरी मतलब सेम ही है, मैं माइनस में दूसरा एग्जांपल लेके बता रहा था। ठीक है, सो दीज टू प्रोडक्शंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एम्बिग्युइटी, सो इस दोनों को मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रेसिडेंस क्या होता है? मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे दो ऑपरेटर है, एक प्लस है एक स्टार है, सो इन दो में से हायर प्रेसिडेंस किसका है? मल्टीप्लीकेशन का पहले है, देन उसके बाद प्लस है। मतलब डेरिवेशन के टाइम पे ना उल्टा हम लेंगे, डेरिवेशन के टाइम पे क्या होगा, पहले प्लस वाला आएगा फिर लास्ट में स्टार वाला आएगा, क्योंकि रिवर्स वे में जब हम यहाँ पे टर्मिनल सब जनरेट होता है, लास्ट में स्ट्रिंग जनरेट होता है, इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन आएगा देन प्लस आएगा। लेकिन जब हम ऊपर से एक एक करके डिराइव कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा, पहले प्लस आएगा उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आएगा। ठीक, तो कैसे यूज करेंगे? देखो सबसे पहले प्लस का यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले प्लस का यूज करना है। सबसे पहले प्लस का यूज करना है मतलब यहाँ पे तो देखो दो वेरिएबल जो था, सेम वेरिएबल जो था, राइट वाला को मूव कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, राइट वाला को चेंज कर सकते हो या फिर लेफ्ट वाला को चेंज कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे राइट वाला को मॉडिफाई कर रहा हूँ, मतलब ये जो s प्लस एस जो था, इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, s डिराइव जो था, इसी s के जगह पे मैं एक नया वेरिएबल डाल देता हूँ, प्लस वाला था पहले करता हूँ। अब s के जगह पे t डाल रहा हूँ, मतलब डेफिनेटली s डिराइव t एक प्रोडक्शन होगा, देन ओनली ना मैं यहाँ पे t डाल रहा हूँ, ये सब ना, तो इसके साथ क्या होगा, s डिराइव t आल्सो एक प्रोडक्शन डाल। तो दिस प्रोडक्शन इज रिड्यूस टू सॉरी इंक्रीज टू टू प्रोडक्शन लाइक दिस। इसको तुम लेफ्ट में भी ले सकते हो, टी प्लस एस भी लिख सकते हो। अब ये तो हम चेंज कर दिए एस प्लस एस को, देखो दो वेरिएबल जाके तो मतलब एम्बिगुअस नहीं होगा। अब देखो ना ये वाला, सेम राइट में कौन सा है, एस है मतलब
यहाँ पर जाकर दूसरा एक वेरिएबल ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये एस स्टार मान लो एस स्टार क्या होगा, मान लो एफ ले लिया। लेकिन अभी क्या है, पहले प्लस मतलब पहले प्लस अप्लाई करके स्टार अप्लाई करेंगे, पहले प्लस अप्लाई करेंगे मतलब पहले ये अप्लाई करने के बाद ही ये अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी एस नहीं रहेगा। तो कौन सा वेरिएबल रहेगा, जिस ऑर्डर पे आया था, पहले टी हम लाए थे, ऐसे टी लाए थे प्लस के टाइम पे टी यूज किए थे, तो यहाँ पे अभी टी रख लेंगे। तभी क्या हो गया, एस स्टार एस क्या हो गया, टी स्टार एफ बन गया, टी स्टार एफ बन गया। अब टी स्टार एफ बना मतलब अभी देखो यहाँ पे क्या रिप्लेस किए थे, हम एफ रिप्लेस किए थे। सो एक पार्टिकुलर ऑर्डर पे एस के बाद टी, टी के बाद एफ, ऐसी ऑर्डर पे आ रहा है, मतलब एफ एफ के जगह पे हम क्या लिखेंगे, अलग प्रोडक्शन डालेंगे, दैट इज टी डिराइव्स एफ। ठीक है, तो इसी ऑर्डर पे पहले प्लस लगाना था, तो पहले प्लस वाला जो प्रोडक्शन था उसको पहले एक वेरिएबल को चेंज कर दिया हम, चेंज किए मतलब उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी ऐड कर लिए। एस डिराइव टी होगा देन ओनली ना हम एस के जगह पे टी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे टी रिप्लेस किए। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे वेरिएबल में क्या होगा, इसके बाद एक फ्लो लेवल पे आएगा। फ्लो लेवल पे मतलब एस के बाद टी आ चुका है, एस डिराइव टी मतलब टी के बाद अभी नया वेरिएबल लेंगे, तो जहां जहां पे एस भी है। राइट साइड मॉडिफाई करा तो राइट साइड में एफ रख लिया, राइट साइड में एफ रख दिया। अब राइट साइड में एफ रख लिया मतलब यहाँ पे क्या होगा, एस तो नहीं रख सकता क्योंकि एस के बाद टी आ गया था, तो टी रख दिया, टी डिराइव टी स्टार एफ हो गया। अब सिंस यहाँ पे एफ डाला था मैंने, यहाँ पे टी डिराइव एफ भी रहे, तो दिस ग्रामर इज नॉट एम्बिगुअस, यू मे चेक फॉर एनी स्ट्रिंग। किसी को डाउट है पूछ सकते हो सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया ये वाला। कभी कभार क्या होता है, प्रीसीडेंस यूज करके भी हम एम्बिग्यूटी हटा सकते हैं। एनी नंबर इसका तो ये जो ग्रामर तो पहले मैंने बताया था, मेन चीज इसी दो प्रोडक्शन के लिए एम्बिग्यूस हो रहा था। क्यों, क्योंकि कभी कभार हम इसको टर्मिनेट कर देंगे और इसको एक्सपांड करेंगे, या फिर कभी इसको टर्मिनेट करके इसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है, कि दो प्रोडक्शन दो पास के बनाने के लिए। सिमिलरली सेम इज हियर, सेम इज अप्लाइज टू हियर, मतलब इसको भी इसको पहले ही टर्मिनेट करके इसको एक्सपांड करने लग जाएंगे, या फिर इसको टर्मिनेट करके इसको एक्सपांड करने लग जाएंगे। सो मतलब अगर एक प्रोडक्शन में मोर देन वन वेरिएबल है, सेम वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस, देन ये एम्बिग्यूटी होने का मैक्सिमम चांस है, तो इसीलिए हमें इसे रिमूव करना है। तो रिमेम्बर अगर ऑपरेटर्स है तो ऑपरेटर को हम यूज करके भी रिमूव कर सकते हैं एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, अब प्लस और सॉरी प्लस एंड स्टार है, सो हाइस्ट प्रायोरिटी किसकी है, स्टार की है। मतलब ये जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे लास्ट में, उस केस में क्या होगा, उसके आसपास स्टार वाला होना चाहिए एंड सबसे पहले प्लस को अप्लाई करना चाहिए रिवर्स डायरेक्शन में। अगर हम डिराइव करते जा रहे हैं मतलब प्लस पहले आएगा फिर स्टार आएगा, क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग जो डिराइव हो रहा है उसके पास में स्टार होना चाहिए। ठीक है, सो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, पहले हम जो प्रोडक्शन में प्लस आ रहा है उससे एम्बिग्यूटी हटाएंगे, फिर उसके बाद जहां जो जिस प्रोडक्शन से स्टार जिस प्रोडक्शन में स्टार है वहां से एम्बिग्यूटी हटाएंगे। एम्बिग्यूटी हटाएंगे मतलब जब एक वेरिएबल से रिपीट हो रहा है मोर देन वंस, उसके जगह पर हम दूसरा वेरिएबल डालेंगे। अब देखो पहले मैं एस डिराइव एस प्लस एस से मैं एम्बिग्यूटी हटाना चाहता हूँ, दिस इज वन है, तो कोई भी एक एस को रिप्लेस करता है दूसरे वेरिएबल। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, जो राइट वाला पार्ट है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इसी एस के जगह पर मैंने क्या कर दिया, दूसरा वेरिएबल टी डाल दिया, तो मेरा ये प्रोडक्शन क्या हो गया, एस डिराइव एस प्लस टी। अब S प्लस टी मतलब टी रिप्लेस किए मतलब क्या है, किस केस में हम टी रिप्लेस कर सकते हैं S के जगह पे, अगर S डिराइव टी करके प्रोडक्शन हो देन ओनली मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इसलिए S डिराइव टी करके एक एड प्रोडक्शन एड करके, तो मतलब इसके जगह पे अब दिस प्रोडक्शन के जगह पे हमने दो प्रोडक्शन डाला एम्बिग्यूटी को हटाने के। ठीक है, समझ में आ गया। अब S स्टार S इसके बाद प्लस के बाद माइनस स्टार वाला आ रहा है, तो प्लस के बाद स्टार वाला आ रहा है मतलब स्टार वाले को भी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए ना एक फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, इसके बाद टी आया, अब टी के बाद एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब एस स्टार एस जो है, एस स्टार एस जो है, अब उसको चेंज करना पड़ेगा क्या है, अब एस डिराइव टी करके यहाँ पे एक फ्लो पे आ गया है, एस स्टार टी करके आ गया है मतलब अब एस के जगह पे टी रख सकता हूँ, एक फ्लो में आएगा मतलब प्लस के बाद स्टार को अप्लाई करने के लिए ये प्रोडक्शन भी मेरा टी से स्टार्ट होना चाहिए, दैट मीन्स टी विल डिराइव समथिंग स्टार समथिंग, ऐसे मैं इसको चेंज करूं समथिंग।
एंड ये भी इसी फॉर्मेट में फ्लो में रहेगा। जैसे देखो एस के राइट में टी एक नया वेरिएबल आ रहा था, तो इसीलिए इसका भी राइट वाला पार्ट है उसके जगह पे हम नया वेरिएबल ले जाएंगे, कोई एक ले जा मान। एंड इसी फॉर्मेट में था एस डिराइव्स एस प्लस टी, तो यहाँ पे भी टी डिराइव्स टी से होना चाहिए, तो इसलिए एस के जगह पे टी डाल दूंगा क्योंकि एस डिराइव्स टी करके प्रोडक्शन भी है, तो टी डिराइव्स टी स्टार एफ रख लिया। अब देखो एफ तो यहाँ पे रिप्लेस किया गया है, मतलब क्या है फ्लो में डालना है, इसके जगह पर तो एफ डाला था लेकिन क्या है इसके जगह डीराइव टी था, एंड ये जो प्रोडक्शन है वो टी से डिराइव हो रहा है, टी डिराइव टी स्टार एस, मतलब एस डिराइव टी था एंड एस के जगह पे एफ पी रिप्लेस कर रहा था, मतलब टी डिराइव से रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो देखो ये जो समझा फ्लो के हिसाब से एस प्लस टी फिर एफ ऐसे लेबलिंग पे होना चाहिए वेरिएबल, तो सबसे पहले एफ को एस प्लस को अप्लाई किया, मतलब सबसे पहले इससे 2s था उसमें से एक s को हटा दिया, तो एक फ्लो पे आ गया s derives s plus t रहा, s derives t रहा। नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, t derives something होगा, t derives something होगा क्योंकि इस फ्लो पे s derives t, now t derives something and the production भी क्या होगा वो t से ये generate होगा and वहाँ पे क्या होगा t and वो f, मतलब जो derive हो रहा है वो ही variable रहेंगे। यहाँ पे क्या किया गया s star s था, इसको हमने कैसे s derives s star s derives s star s को हमने क्या किया t derives t star f डाल दिया, and since f को मैं replace कर रहा हूँ तो t derives f एक production होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने t derives f को add कर ठीक। Now clear? Yes sir, clear. Now I'm moving to next question. तो ये मैं next मतलब ये different चीज है, इसको मैं next class में बताऊँ, मतलब after 2-3 class ये पीपीटी सेंड कर देना सर, क्या पीपीटी सेंड कर देना, हाँ ना ना वी विल जनरेट लैंग्वेजेस फ्रॉम ए गिवन ग्रामर, लैंग्वेज मतलब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, एंड हम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को देख के हम कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज क्या है, ठीक है। अब देखो पहला प्रोडक्शन को देखो, सेटअप प्रोडक्शन को एच डिराइव्स एएसए पीएसपी लैम्डा, तो बताओ इसमें कौन कौन से स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकते हैं। सबसे पहले तो लैम्डा मतलब एप्सिलॉन जनरेट हो सकता है, एच डिराइव्स नल अगर पहले अप्लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एएसए के जगह पे सबसे पहले एस से एएसए डाला फिर एस के जगह पे टर्मिनल नल डाल दिया तो मेरा कौन सा स्ट्रिंग जनरेट होगा, एए। सिमिलरली बीएसपी पहले अगर लूंगा एंड एस के जगह पे नल डालूंगा तो कौन सा स्ट्रिंग जनरेट होगा, बीपी। सिमिलरली देखो एएसए लिया पहले एंड एस के जगह पे अगेन एएसए डाला मतलब क्या हो जाएगा, ए ए एस ए ए होगा, फिर एस के जगह पे नल डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ए ए ए एस जनरेट हो रहा है। सिमिलरली बी से भी लोगे पहले बीएसपी लिया फिर एस के जगह पे अगेन बीएसपी मैंने डाल दिया तो मैंने स्ट्रिंग कैसे मतलब एक्सप्रेशन कैसे दिखेगा ऐसे, फिर लास्ट में इसको अगर टर्मिनेट करना चाहूंगा तो नल डाल दूंगा तो क्या जाएगा वो, बी 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 बी। अब देखो पहले मान लो ए एस ए अप्लाई किया है फिर एस के जगह पे मैं बी एस बी डालना चाहता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ए बी एस बी ए, फिर एस के जगह पे टर्मिनल डालू तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बी ए। सिमिलरली बी के बाद अगर जैसे बी एस बी डाला है पहले एस इक्वल एस डिराइव बी एस बी डाला फिर एस के जगह पे मान लो एस ए एस ए डाल दिया तब वो क्या हो जाएगा, बी ए एस बी ए हो जाएगा, फिर एस के जगह पर नल डालो तो बी ए सॉरी बी ए एस ए बी होगा ना, अगर पहले बी एस बी डाले हो एस के जगह पे ए एस ए डालना है तो फिर क्या हो जाएगा, बी ए एस ए बी, अभी एस के जगह पे टर्मिनल डालना है मतलब तो क्या होगा वो, बी ए ए बी। इसी टाइप ही आएंगे अब कैसे भी हो मतलब ऐसे भी आएगा ए बी 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 ए इसी टाइप की आएंगे, मतलब क्या है ये लेंथ इवन आ रहा है, लेंथ तो इवन ही आ रहा है लेकिन अब क्या है आधा तक सेम हो गया आधा रिवर्स हो रहा है, जैसे ए बी आधा तक क्या हो रहा है एक आ रहा है फिर उसके बाद उसका रिवर्स हो रहा है, मतलब क्या है ये पैलिंड्रम है, इस कोई भी स्ट्रिंग को देखो पैलिंड्रम है कि नहीं, ए बी बी ए बी ए ए बी नहीं तो फिर ए बी ए ए ए ऐसे आएगा फिर तीन बार अगेन ए ए ए आएगा फिर बी ए आएगा, मतलब इसको रिवर्स करने के बाद भी सेम स्ट्रिंग ही आ रहा है
मतलब ये पैलिंड्रम हो रहा है, उसका लेंथ भी क्या है, इवन ही हो रहा है. क्यों इवन? बिकॉज ईच टाइम यू आर इंक्रीजिंग द नंबर, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बाय 2, दैट इज ए ए आ रहा है, या 2 बी इंक्रीज हो रहा है. लास्ट में जब टर्मिनेट करते कोई वेरिएबल नहीं लेते तो क्या हो जाएगा, नल डाल रहे हैं. इसका मतलब क्या है, ये जो भी जनरेट कर रहा है पैलिंड्रम्स को जनरेट कर रहा है. दिस दैट मींस दिस दिस ग्रामर रिप्रेजेंट ऑल द स्ट्रिंग्स, और यू कैन से ऑल द इवन लेंथ पैलिंड्रम स्ट्रिंग्स ऑफ द अल्फाबेट ए बी. इस पर किसी को डाउट है? सर, हेलो सर, बोलो सर. इसमें ऐसे कर सकते हैं जैसे जैसे बी एस बी करके है ना सर, उसमें सर ए कर दें. तो सब में सही है सर, समझ गए? यस सर, दो मतलब पेयर में रहेगा ना सर, ए और बी भी इसीलिए. हाँ हाँ, पेयर मतलब ईच टाइम देखो दो ए या दो बी तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है ना. यस सर, लेंथ तो इवन ही होगा क्योंकि हम एस को तो टर्मिनेट करते हैं, नल में टर्मिनेट करते हैं. एंड देखो इसी ऑर्डर पर अगर एस के जगह पे जो भी रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब देखो अभी बी रिप्लेस करूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी एस देन बी ए आ रहा है. मतलब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में जा रहे हो यहाँ से उसका रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब पैलिंड्रम ही होगा. ये पूरा पैलिंड्रम होगा कि नहीं ए बी से? देखो यस सर, यस सर, समझ गया. तो दिस ग्रामर जनरेट ऑल द पैलिंड्रम्स, ऑल द पैलिंड्रम्स मतलब इवन लेंथ पैलिंड्रम. क्यों? इसका लेंथ हमेशा इवन नहीं होगा क्योंकि बीच में नल डाल रहे हैं. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द अदर प्रॉब्लम्स. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके, थैंक यू. सर बोलो. सर गलती लगी थी सर. अटेंडेंस तेरे और मेरे बीच में अटेंडेंस नहीं आनी चाहिए. ओके सर. ओके, खुश रहो. देखते हैं, एक दो दिन में रिजल्ट कर लूंगा. ठीक है सर, ठीक है. जल्दी कर दिया करो रिजॉल्व सर. क्या जल्दी कर दिया करो रिजॉल्व सर? सुरेंद्र, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती. सर सब्जेक्ट डिटेल ना हो यार. मेरी तो हो नहीं पाई है, 3 महीने हो गए सर. तुम्हारा मैंने कितना चेंज किया है. अब ऐसे मत सर, नहीं हो पाया. ओके, फेरी हो जाए तब कर देना. हाँ, ओके, गुड लक, बाय. ठीक है सर, थैंक यू.